दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे आईक्यू रैंकर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज हम लाए हुए हैं कि 12th के बाद आप जिला कलेक्टर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें कैसे करें, वो इस वीडियो को देखें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, आपको जिला कलेक्टर बननी है तो 10+2 के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको भारत की नागरिकता होनी बहुत ही ज़रूरी है। जिला कलेक्टर बनने के लिए आपको UPSC के तहत होने वाली CSE एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप IAS अधिकारी बनने के एलिजिबल होंगे। जब आप IAS अधिकारी बन जाते हैं तो कुछ समय बाद आपकी प्रमोशन होती है और प्रमोशन के बाद आप जिला कलेक्टर बन सकते हैं। दोस्तों जिला कलेक्टर IAS के अंतर्गत ही काम करते हैं। दोस्तों ये आपको पता होनी चाहिए कि जिला कलेक्टर एक राज्य के संपूर्ण जिलों के लिए जिम्मेदार होता है, यानी उस जिले पे सबसे प्रभावशाली अगर कोई सरकारी अधिकारी है तो वो है जिला कलेक्टर। सभी जिलों में जिला कलेक्टर की भर्ती भारत सरकार द्वारा ही की जाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। जो भी उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से संबंधित है उनको 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक की एज में परीक्षा की देना पड़ता है। इसके साथ जो भी उम्मीदवार OBC कैटेगरी से हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन जो उम्मीदवार SC या ST कैटेगरी से हैं उनको 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। यानी जनरल कैटेगरी वालों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, OBC वालों को सिर्फ 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो ST SC हैं वो 5 साल के तक एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे कि यह परीक्षा किस तरह से दिया जाता है। इस परीक्षा के 3 चरण हैं। पहला है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, दूसरा है मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम, और तीसरा और लास्ट है इंटरव्यू। दोस्तों हर साल सिविल सर्विस के लिए भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे तो फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देने को होगा, और मेंस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला भी होता है। तो आपको उसकी पूरी तैयारी के साथ यानी पूरा डिटेल्स लिखना पड़ता है। जो भी प्रश्न आता है उसके बारे में पेपर लिखना पड़ता है। जब आप मेंस एग्ज़ाम भी उत्तीर्ण कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू की तैयारी करना पड़ता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, यानी आपका गेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, बैठने का तरीका, ये सब टेस्ट होता है, और इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में पास हो जाते हैं तब आप एक IAS अधिकारी बनने के एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आप एक IAS अधिकारी बन सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।